हरे कृष्णा। तो आज हम श्री श्रीवास पंडित इनके लिए प्रणाम श्लोक देखने वाले हैं। श्री श्रीवास पंडित ये चैतन्य महाप्रभु के जो प्रमुख पार्षद थे उनमें से एक थे, जो भक्त रूप में आए हैं और भक्त रूप में उन्होंने सेवा की। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जो प्रमुख पार्षदों को लेके आए थे इस धरातल पर भक्ति मार्ग का प्रसार करने के लिए, उनमें श्रीवास पंडित एक प्रमुख थे और जिनके यहाँ पर कीर्तन किया करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। तो उनका जब आविर्भाव तिरुभाव दिवस होता है तो उससे हमने कौन सा प्रणाम श्लोक अर्पण करना चाहिए उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो बहुत सुंदर इसमें बताया गया है, ये प्रार्थना है। श्रीवास पंडितम नवमी गौरांग प्रिय पार्षदम यस्य कृपा लवे नापि गौरांगे जायते रति। श्रीवास पंडितम नवमी, मैं उन श्रीवास पंडित को प्रणाम अर्पण करता हूँ। कौन है वो? गौरांग प्रिय पार्षदम, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत निकटवर्ती और प्रिय पार्षद रहे। जैसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि महाप्रभु जैसे अपने सांगो पांगास्त्र पार्षदम, अपने पार्षदों के साथ वो इस धरातल पर अवतरित हुए, उनमें से एक पार्षद श्रीवास पंडित उनको मैं नमन करता हूँ, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय है। यस्य कृपा लवे नापी, लव मात्र भी यदि इन श्रीवास पंडित जी की कृपा हमें यदि प्राप्त हो जाती है तो क्या उसका परिणाम होगा? गौरांगे जायते रति ही। सो श्री चैतन्य महाप्रभु में हमारे हृदय में जो है वो रति उत्पन्न हो जाएगी महाप्रभु के प्रति। गौरांगे जायते रति ही, तो ये बहुत ही प्रमुख और प्रिय पार्षद है गौरांग महाप्रभु के, इनकी कृपा याचना करने के लिए इस श्लोक को हमें दोहराना चाहिए। श्लोक पुनः एक बार। श्रीवास पंडितम नवमी गौरांग प्रिय पार्षदम यस्य कृपालवेनापि गौरांगे जायते रति। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।